हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है इति विश्वकर्मा ब्लॉग में। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम सेल्फ स्क्रब किस तरीके से कर सकते हैं, जो कि मार्केट में शॉप्स में मिल जाते हैं छोटी छोटी पैकेजिंग में। तो यह एवर यूथ का स्क्रब, यह एवर यूथ नेचुरल्स का स्क्रब, ये वॉलनट स्क्रब है। इससे हम अपने फेस में जो भी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वगैरह हमारे नोज एरिया में, चीन में यहाँ पर किसी भी एरिया में अगर हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह हो जाते हैं तो उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं सेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। जैसा कि आपको पता है मेरा है पार्लर, तो मैं पार्लर स्क्रब को नहीं खोल के मैं अपने पार्लर का स्क्रब यूज करूँगी। ये है स्क्रब मेरे पार्लर का, इसी से मैं यूज करके आपको बताऊँगी कि हमें किस तरीके से। फर्स्ट हमारा सबसे पहला होता है कि हमें अपने फेस को क्लीन करना चाहिए फेस वॉश करके। मैं आ चुकी हूँ फेस वॉश करके, मैंने अपना फेस कर लिया है क्लीन। उसके बाद हमें अपने फेस के ऊपर देना है टाइट, हमने ले लिया अपने हैंड पर, उसको इस तरह से फेस में करना है अप्लाई, नेक में अप्लाई, फेस में, नेक में अप्लाई करने के बाद हमें अपने हाथों को थोड़ा सा पानी से भिगा लेना है। इसके बाद सर्कुलर मोशन में इस तरीके से अप्लाई करना है। और इस तरह कभी भी हमें हल्के हाथ से करना चाहिए, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें होते छोटे छोटे दाने जो कि स्किन में चुभते हैं। जिस एरिया पे हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ज़्यादा होता है उस एरिया पर को हमें ज़्यादा रब करना पड़ता है इस तरीके से। नोज एरिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स देखे जाते हैं वो नोज एरिया में, उसको हमें इस तरीके से मसाज करने के लिए इस तरीके से। एरिया को सर्कुलर मोशन में हमें अपने फेस में स्क्रब ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। इस स्क्रब को हमें सिर्फ 2 मिनट अपने फेस में रब करना चाहिए, क्योंकि इस स्क्रब ज़्यादा लगाने से स्किन जो होती है सॉफ्ट होती है फेस की, तो ज़्यादा रखने से उसमें रेडनेस आ जाती है। इस तरीके से अपनी नेक को भी क्लीन करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो के जरिए बताया कि जब भी हम कोई भी चीज़ अपने फेस में करें, फेस वॉश करें या अच्छे तरीके से स्क्रब करना है 2 मिनट। इसको इस स्क्रब को जितना हो सके आई एरिया से दूर रखना चाहिए, आई एरिया के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। जो भी इसमें पार्ट होते हैं छोटे छोटे, वो आंखों में जाने का डर होता है, तो कभी भी हमें इस स्क्रब को आई एरिया से दूर रख के ही मसाज करनी चाहिए। स्क्रब हो चुका है अच्छे तरीके से, इसको कर लूँ वाइप्स ऑफ। मैंने एक बाउल में पानी भर के रख दिया है और स्पॉन्ज रखा है। मैं आपको यहीं पर क्लीन करके दिखाऊंगी कि हमें किस तरीके से क्लीन करना चाहिए। करने के बाद हमें एक टैंकी की हेल्प से इसको डब डब करके कर लेना चाहिए। ड्राई करने के बाद हम जो अपने फेस में जो भी मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं अप्लाई। हमें अपने फेस की सेल्फ केयर करनी चाहिए, जैसे कि हम अपने फेस में हर वीक में, ठीक है, हमें अपने फेस में वीक में एक दिन स्क्रब जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे फेस के जो भी डस्ट होती है, जो भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या डेड सेल्स होता है वो जाते हैं स्क्रब करने से रिमूव। तो इस तरीके से हमें अपनी फैमिली के जरिए मैं आपको बताना चाहती थी कि अपने फेस में स्क्रब कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो आपके नॉलेज में सही होगी तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है आप।
आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।